कटोरी ब्लाउज की स्टिचिंग में सबसे पहले हम अपनी ब्लाउज को इस तरह से कच्ची सिलाई लगाते हैं। आप देख सकते हैं हमने अपने जो हमारी कटिंग का मुख्य पार्ट्स था लाइनिंग का, उसको बिल्कुल बराबर में स्टिच कर लिया है। इसके बाद में जो भी एक्स्ट्रा साइड है उसको हम कटिंग करके निकाल देंगे। किसी भी ब्लाउज की सिलाई जब आप करें तो आप इस तरह से उसको पहले कच्चा स्टिच कर लें। आप देख रहे हैं मैंने कटोरी का जो हमारा अहम पार्ट्स होता है यहाँ पे हमने इसको अच्छे से कच्ची सिलाई लगा ली है। अब हम जो बीच सेंटर होता है जहाँ पे हमारी कटोरी की स्टिचिंग होती है वहाँ पे इसकी 2.75 इंच तक स्टिचिंग लगाएंगे। 3 इंच तक आप इसकी स्टिचिंग लगा सकते हैं मिडिल सेंटर से। सीधी सिलाई लगाने से क्या बेनिफिट है, उससे ये होता है कि आप जब कटोरी की सिलाई करेंगे इस तरह से तो वो बहुत ही अच्छी और परफेक्ट आपकी सिलाई आएगी। तो यहाँ पे हमने 1 इंच की चौड़ाई से नीचे की सिलाई लगानी है। इसकी सिलाई की लेंथ है, कटोरी की सिलाई की लेंथ है 3 इंच और इसकी चौड़ाई है 1 इंच। तो आप देख सकते हैं हमने अपनी दोनों कटोरी के पार्ट्स को तैयार कर लिया है। अब हम इसका जो सामने वाला टक्स लगाएंगे उसका कट लगा देते हैं यहाँ पे, ताकि हमारे दोनों कटोरी के पार्ट्स पे जो सामने वाले टक्स है वो बराबर में लगे। अब हम इसके पास वाले पार्ट्स की यानी जो तीरे का पार्ट्स होता है उसकी सिलाई करेंगे। तो कैसे जॉइंट करते हैं आप उसको अच्छे से देखिए। मैंने तीरे के एक पार्ट्स को नीचे लगाया है और लाइनिंग के पार्ट्स को ऊपर लगाएंगे और कटोरी के पार्ट्स को मैंने यहाँ पे बीच में रखा है। और इस तरह से हम इसकी स्टिचिंग लेंगे। जो हमारा लाइनिंग का पार्ट्स है वो बिल्कुल बराबर में परफेक्टली कटिंग किया हुआ है और जो हमारा ब्लाउज का पीस है वो थोड़ा एक्स्ट्रा है और उसकी हम सिलाई करने के बाद कटिंग करेंगे जो भी पार्ट्स एक्स्ट्रा है। ये हमारी अंडर पैकिंग स्टिचिंग हो गई है। आप देख सकते हैं एक पार्ट्स स्टिच हो गया। इसी तरह से हम दूसरे पार्ट्स की सिलाई लगाएंगे। नीचे ओरिजिनल पार्ट्स, बीच में कटोरी का पार्ट्स और ऊपर लाइनिंग का पार्ट्स रख करके यहाँ पे हम डायरेक्टली स्टिचिंग कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमारी कटोरी के दोनों पार्ट्स पास वाले पार्ट्स में अटैच हो गए हैं। अब हम इन दोनों पार्ट्स को नाखून से चीर करके इनकी जो सिलाई है वो इस तरह से चीर लेते हैं। तो आपने देखा कटोरी का पार्ट्स जॉइंट हो गया है। अब हम पास वाले पार्ट्स की कच्ची सिलाई लगा लेते हैं और उसके बाद जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे कट कर देंगे। अगर आप इस वीडियो को देख करके कटोरी ब्लाउज की स्टेप बाय स्टेप स्टिचिंग करते हैं तो निश्चित ही आपका ब्लाउज बहुत ही सुंदर स्टिचिंग होगा। किसी भी कटोरी के ब्लाउज की सिलाई आप इस वीडियो को देखकर कर सकते हैं। बहुत ही परफेक्ट और सुंदर स्टिचिंग आपको इस वीडियो से सीखने को मिलेगी। जो एक्स्ट्रा फैब्रिक था उसको मैंने कट करके अलग कर दिया है और जो नेकलाइन हल्की सी एक्स्ट्रा है उसको भी हम कट कर देते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक्स्ट्रा पार्ट्स को कट करके और इसकी कच्ची स्टिचिंग ले ली है। हमारा ब्लाउज दो पार्ट्स जॉइंट हो गए हैं। अब हम नीचे की क्रॉस पट्टी जॉइंट करेंगे।
इसी तरह से आपको कच्ची सिलाई लगाना है और उसके बाद में जो एक्स्ट्रा फैब्रिक होता है उसको कट कर देना होता है। ये लाइनिंग की क्रॉस पट्टी का पार्ट्स है, इसको लाइनिंग की साइड में लगाएंगे और जो ये ओरिजिनल पार्ट्स है इसको हम नीचे की ओर लगाएंगे और इस तरह से आप एक सिलाई से दोनों को अटैच कर लीजिएगा। जो हमारी कटोरी की टक्स का स्टिचिंग होती है उसको हल्का सा फोल्ड कर लेते हैं। ये देखिए, ये जो टक्स की सिलाई है इसको आप हल्का सा फोल्ड कर लें। इस वीडियो में आप बहुत ही अच्छे से परफेक्टली ब्लाउज की स्टिचिंग सीख पाएंगे। यहाँ पे हमारी क्रॉस पट्टी जॉइंट हो गई है और इस तरह से मैं एक सिलाई सिर्फ एक पार्ट्स पे निकाल रही हूँ। देखिए, सिर्फ लाइनिंग के पार्ट्स पे, लाइनिंग के पार्ट्स को इस तरह से खोल करके एक सिलाई लगा दीजिए और अब इसे ऑन कर लेते हैं। तो ये देखिए, ऊपर के पार्ट्स की सिलाई नहीं आनी चाहिए, लाइनिंग के पार्ट्स के साथ में नीचे की जो सिलाई होती है उससे क्या है कि ये ब्लाउज खिंचता नहीं है, खुजता नहीं है। अब हम जो सामने वाली टक होती है कटोरी की वो लगा लेते हैं। हमारी कटोरी का ब्लाउज आगे का पार्ट्स बिल्कुल रेडी है। अब हम इसमें हुक पट्टी और आई की पट्टी स्टिच लेंगे, उससे पहले इसको कच्चा कर लेते हैं। जो नीचे क्रॉस पट्टी है उसको भी आपको कच्चा करना बहुत जरूरी है, क्योंकि उससे आपको एक वेस्टेज जो फैब्रिक है उसे निकाल देना है। हुक पट्टी लगाने का तरीका भी आप देख सकते हैं, सिंगल पट्टी लगा करके उसको डबल स्टिच भी आप कर सकते हैं। इसमें आप अच्छे से देखिए कि कैसे हुक पट्टी और आई की पट्टी लगाई जाती है। किसी भी वेस्टेज फैब्रिक को लेकर के, जो हमारी लाइनिंग का फैब्रिक है, उसको सिंगल स्टिचिंग लेते हैं। आई के लिए हम ब्लाउज का फैब्रिक यूज करेंगे और हुक के लिए हम लाइनिंग का फैब्रिक यूज करते हैं। दोनों पट्टियों को मैंने सिंगल सिंगल स्टिचिंग किया है और अब हम इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे और एक स्टिचिंग और लेंगे। इसी तरह से आई की पट्टी पे भी एक स्टिचिंग और लेंगे। तो आप देख सकते हैं हुक और आई की पट्टी अच्छी तरह से स्टिच हो गई है। इस ब्लाउज में हम हाफ कॉलर लगाएंगे, कटोरी ब्लाउज हाफ कॉलर ब्लाउज स्टिचिंग वीडियो फुल ट्यूटोरियल है। तो आप हाफ कॉलर कैसे बनाते हैं उसकी वीडियो हम आपको बाद में दिखाएंगे। इसमें आप कॉलर को अटैच करना देखिएगा, बहुत ही सरल तरीके में, बहुत ही फिनिशिंगता के साथ इसमें हम आपको स्टिचिंग दिखा रहे हैं। ये हमारे बिल्कुल बराबर टक्स आए हैं। नेकलाइन को इस तरह से जांच लेना चाहिए, अगर नीचे से छोटा बड़ा हो तो उसको आप, ये हमारे नीचे की फोल्डिंग है जहाँ पे हमने चौंक लगाया है,
इस तरह से इसको फोल्ड कर लेते हैं, पट्टी को, जो तुरपाई की पट्टी है उसको हम ऐसे फोल्ड कर लेंगे। अब आप देख सकते हैं आगे के पार्ट्स बिल्कुल तैयार हैं। ये हमारा बेक साइड पार्ट्स है, यहाँ पे हम कोलर लगाएंगे, हाफ कोलर बेक साइड से लेकर के आगे तक हाफ कोलर, तो इसलिए थोड़ा सा जो नेक है वो डीप कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने नेक को कटिंग कर लिया है। और इसी तरह से बेक साइड के पूरे पार्ट को कच्चा करके जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको आप कट करके अलग कर दीजिए। बेक साइड पार्ट कच्ची स्टिचिंग हो गई है। बाजू को भी आप लाइनिंग के पार्ट्स के साथ में जॉइंट करके और जो भी उसकी लेस होती है उसको अटैच कर सकते हैं। बाजू की सिलाई में कुछ भी ज़्यादा नहीं होता है, इसलिए आप उसके साथ में लाइनिंग का पार्ट्स अटैच करें और उसके बाद में उसको ओपन करके उस पर लेस अटैच कर लें तो बाजू तैयार हो जाती है। अब ये बेक साइड का जो पार्ट्स है वो बिल्कुल तैयार हो गया है। एक्स्ट्रा वेस्टेज फैब्रिक अलग कर दिया है। अब आप इस पे बेक साइड की डार्ट लगा दीजिए और शोल्डर पे शोल्डर रख करके जॉइंट कर लीजिए। तो इस तरह से हमारे बेक साइड के शोल्डर आगे के शोल्डर से जॉइंट हो गए हैं। शोल्डर जॉइंट करने के बाद हम यहाँ पे पाइपिंग लगा रहे हैं नेक लाइन में। तो ये पाइपिंग डोरी वाली हमने तैयार की हुई है और इसको हमें सीधी स्टिचिंग लेनी होती है। जो भी हमारी डोरी वाली बारीक पाइपिंग होती है डोरी के बिल्कुल पास पास में हम सिलाई करते हैं और सिंगल स्टिचिंग ले रहे हैं। तो आप देख रहे हैं किस तरह से पाइपिंग की बहुत ही सुंदर, मतलब सिंपल स्टिचिंग है। काफ़ी बहनों को पाइपिंग लगाने में बहुत मुश्किल होती है, तो आप इस वीडियो को देखिए। ये डोरी वाली बारीक पाइपिंग तैयार है और इसको ऑन साइड में रख करके और हम आपको स्टिचिंग यानी करने का तरीका बता रहे हैं। तो इस तरह से ऑन साइड पे ब्लाउज के और ऑन साइड की पाइपिंग हमने स्टिच की है। अब हम इसको जो एक्स्ट्रा है आगे को इसको फोल्ड करके दूसरी सिलाई निकाल लेते हैं। जो एक्स्ट्रा थी उसको नीचे फोल्ड करके आप
और जैसे एक सिलाई निकाली थी उसके पास पास में दूसरी स्टिचिंग भी निकाल सकते हैं। एक्स्ट्रा फैब्रिक को हमने फोल्ड कर दिया है और ये हमारी दूसरी सिलाई पाइपिंग के ऊपर लग रही है। डोरी वाली बारीक पाइपिंग अगर आप बनाना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं कि कैसे बनाई जाती है, तो वो आप हमारा वीडियो देखें, डोरी वाली बारीक पाइपिंग कैसे बनाएं, तो उसे आपको बहुत ही सरल तरीके में बताया गया है, वो आप देख करके उसे बनाना सीख सकते हैं। और भी बहुत सारी वीडियोस आपको इस चैनल में मिलने वाले हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो कर लीजिए, ताकि आपको बहुत ही अच्छी अच्छी कटिंग और स्टिचिंग देखने को मिले, सीखने को मिले। जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको हम कट कर देंगे और जो पाइपिंग की एक्स्ट्रा पट्टी है उसको अंदर की ओर फोल्ड करेंगे, तो जो धागे वाली पाइपिंग है वो आपकी बाहर रह जाएगी और अंदर आप उसे हाथ से कच्ची सिलाई या तुरपाई आप कर सकते हैं। तो देखिए, जो एक वेस्टेज थी उसको निकाल दिया। अब इसको आगे जो एक्स्ट्रा उसको फोल्ड करके इस तरह से पाइपिंग को फिर एक सिलाई और आप ऊपर की तरफ निकाल लीजिए। इस तरह से हमें पाइपिंग को फोल्ड कर लेना है, तो आपके धागे वाली बारीक पाइपिंग बाहर रह जाएगी और जो एक्स्ट्रा है वो अंदर की ओर फोल्ड हो जाएगी। इस तरह से हमें ब्लाउज पे पाइपिंग तैयार कर लेनी चाहिए। देखिए कितनी सुंदर, बहुत ही सुंदर और बारीक पाइपिंग हमारी यहाँ पे बन करके तैयार हो गई है। और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो कृपया इसे लाइक करना जरूर और कमेंट भी कीजिएगा साथ ही साथ में, क्योंकि हम आपके कमेंट की भी प्रतीक्षा करते हैं। और भी आपको कुछ भी पूछना हो या सीखना हो तो आप उसके लिए भी हमें बोल सकते हैं, हम आपको जरूर बताएंगे। तो देखिए हमारी पाइपिंग बहुत ही सुंदर बनकर के तैयार है, आप देख सकते हैं ब्लाउज की नेक लाइन पे। अब हम इसके अंदर बाजू ज्वाइंट करेंगे अपनी ब्लाउज की आर्मोल में। बाजू को आप मिडिल सेंटर से स्टिच कर सकते हैं या फिर आप मिडिल सेंटर से चेक करके स्टार्ट से भी इसको जॉइंट कर सकते हैं, परंतु बाजू को चेक जरूर करें कि आपके बाजू कहीं छोटी या बड़ी तो नहीं है ना। इसका आपको ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कई बार आपकी बाजू छोटी होती है और जब आप स्टार्ट से जॉइंट करते तो वो छोटी रह जाती है, ऐसा नहीं होना चाहिए। यहाँ पर हमारी बाजू बिल्कुल बराबर है, इसका हमने पहले से चेक कर लिया है, इसीलिए हम इसको स्टार्ट से लगा रहे हैं। बाजू का मिडिल सेंटर और हमारी शोल्डर का मिडिल सेंटर बिल्कुल बराबर में आना चाहिए, इस चीज का भी हमें ध्यान रखना है। तो यहाँ पे हमारे बिल्कुल बराबर में आ रहे हैं और इससे हमने बाजू में और साइड में इंटरलॉक भी करना है, तो उसको आप इंटरलॉक करने के लिए आप किसी टेलर से करवा सकते हैं बाहर ले जा करके, तो इंटरलॉक बाहर भी आपके ब्लाउज पे किया जा सकता है। बाजू हमने जॉइंट कर लिया और इस पे इंटरलॉक भी हो गया है। अब हम साइड की फिटिंग की सिलाई लगाएंगे। सिंगल सिलाई लगाने के बाद आप इस पे ओवरलॉक लगा सकते हैं। ध्यान रखें, जब आप बाजू फिटिंग की सिलाई लगाएं तो आप बाजू से लगाएं, बाजू नीचे वाली बाजू की जो दोनों नीचे ऊपर का हिस्सा होता है वो बिल्कुल बराबर में रख करके, बाजू के ऊपर बाजू की सिलाई रख करके फिर आप फिटिंग की सिलाई लगाएं, ताकि आपकी जो सिलाई है वो बिल्कुल बराबर रहे। इस बात का ध्यान रखना होता है कि आपकी जो बाजू की सिलाई होती है दोनों सिलाई ऊपर की और नीचे की बराबर में एडजस्ट होनी चाहिए। तो हमने बाजू को बिल्कुल बाजू की सिलाई को बराबर में रख करके और इस तरह से इसकी स्टिचिंग ले ली है, तो ये हमारी फिटिंग की सिलाई हो गई है। इसी तरह से हम दूसरी साइड में भी अपनी जो फिटिंग की सिलाई है वो लगाएंगे और फिर साइड में हम ओवरलॉक कराएंगे।
अपनी कमर के अकॉर्डिंग कमर का फोर्थ पार्ट लेकर के मार्किंग कर ले, चेस्ट में चेस्ट का फोर्थ पार्ट करके मार्किंग कर ले। और ये देखिए, ये जो नीचे की सिलाई है इसके ऊपर बिल्कुल बाजू की सिलाई को सेंटर में रख करके और हमें फिटिंग की सिलाई लगानी है। और बिल्कुल परफेक्ट हमारी सिलाई आई है यहाँ पे। बाजू की आगे की चौड़ाई 6.5 इंच है, यहाँ पे हमने फिटिंग का निशान लगा करके और फिटिंग की सिलाई लगा ली है। तो इस तरह से हमारा ब्लाउज जो है वो बन करके तैयार है। अब हम आपको सारी टोटली स्टिचिंग होने के बाद और साइड के ओवरलॉक होने के बाद हम ब्लाउज की नेकलाइन पे आपको कॉलर लगाना बता रहे हैं। ब्लाउज हमारा बिल्कुल रेडी है। इसको नाप करके आप चेक कर लें कि आपकी जो कमर है वो एक्यूरेट है ना। यहाँ पे हमारे 29 कमर हमें चाहिए, तो ये बिल्कुल बराबर में परफेक्ट है। और यहाँ पे हमें 37 चेस्ट चाहिए, तो ये बिल्कुल परफेक्ट है। तो आइए कॉलर लगा लेते हैं। तो ये मैंने कॉलर स्टिचिंग की हुई है और ये बिल्कुल सीधी और सिंपल कॉलर है और इसकी साइज है 11 इंचेज। इसको हम 3 इंच आगे की साइड में रखेंगे दोनों साइड में, तो ये होगी टोटल 6 इंच। और बैक साइड के लिए हम 5 इंच रखेंगे। टोटल हो गई हमारी कॉलर की लेंथ 11 इंच। तो 11 इंच की हमने कॉलर तैयार किया और इसको हम आगे 3 इंच स्टिच कर रहे हैं। बहुत ही सुंदर ट्यूटोरियल हमने आपको दिखाई। अगर आपको हमारी ये वीडियो स्टिचिंग की पसंद आई हो, लाइक ज़रूर कीजिएगा। और इसी तरह से हम आपके लिए सभी स्टेप्स के ब्लाउज की स्टिचिंग की वीडियो लेकर आएंगे। सभी साइज के अकॉर्डिंग और सभी स्टेप्स के अकॉर्डिंग आपको इस चैनल में वीडियोस मिलेंगे। तो अगर आप नए सब्सक्राइबर हैं, नए व्यूवर्स हैं, हमारे वीडियोस को नया नया देख रहे हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू। एक नई वीडियोस के साथ, एक नई स्टेप्स के साथ, एक नई कटिंग या फिर स्टिचिंग के साथ हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। थैंक यू।